तो जबलपुर का नाम जबलपुर क्या पड़ा, क्यों पड़ा? इसको विशेष मतलब बोली में ढालना जोता न्याय होगा यहाँ, उसके पीछे का क्या कोई कारण है? नगर को संस्कार दादी ही है हमारा जबलपुर शहर। यहाँ क्या नाम है आपका भैया? महेश। एक ऐसी चीज जो जबलपुर की सबसे अच्छी बात कही जा सकती ठीक है, आपका कारण है ये कारण है बेड़ा घाट। क्या कारण है जो संस्कार धानी कहा जाता है ये जबलपुर? कंसाम घाट भी बना है, सब बने हैं। जैसे एक वक्त गौर करके आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें प्योर भाषा सिर्फ जबलपुर की ही मिलेगी हॉलीवुड में। हॉलीवुड में समस्या का है यही है, गुंडे बदमाशी ज्यादा है, गुंडे लोग ज्यादा है यहाँ। कहते हैं ओए बड्डे का है बड्डे, तो इसका क्या मतलब होता है? नई युवा पीढ़ियों में भी कमजोरियाँ है ये। और मैं हूँ अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भैया हम जबलपुर के बारे में आपसे जानना चाहते हैं जी, उससे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नईम खान है जी। कहाँ से है जबलपुर में? परपस जबलपुर का रहने वाला हूँ मैं, और टू व्हीलर बाइक मैकेनिक हूँ मैं, क्योंकि आज संडे है तो मैं आज गार्डन में थोड़ा सा टहल रहा हूँ। ये जबलपुर जो शहर है जी, तो जबलपुर का नाम जबलपुर क्या पड़ा, क्यों पड़ा, क्या आपको पता है इसके बारे में? देखिए जहाँ तक जितनी जानकारी है मुझे तो मैं उतना ही बता पाऊंगा आपको। जबल के माने, जबल के माने, जबल मीन्स पहाड़ी होता है जी, तो जबल मीन्स पहाड़ी, जबलपुर इस वजह से नाम रखा गया है इसका क्योंकि पहाड़ी से पूरा घिरा हुआ है हमारा जबलपुर शहर। ये जब्बल के माने जब्बल मीन्स पहाड़ी होता ही है ये, है ना जी। और ये इसके पहले ये पूरा गौड़ समाज रहा ही है। अच्छा, गोंडवाना, ये गोंडवाना दौर था, ये सबसे पहले जबलपुर उन्हीं जगह बसाया हुआ है, ये गोंडवाना दौर का ही जी। तब से जबलपुर चला आ रहा है ये नाम इसका, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी है, जहाँ भी देखेंगे आप तो पहाड़ी क्षेत्र में से घिरा हुआ है जबलपुर शहर हमारा, इसलिए इसका नाम जबलपुर रखा गया है। और ये जो जबलपुर है यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली बोल जाती है, कहीं मालवी बोल जाती है, तो अगर इसकी हम बोली की बात करते हैं, क्या जबलपुर की भी कोई विशेष बोली है? जबलपुर की बोली की विशेषता हम आपको बताएंगे तो ये बड़े ऊंचे स्तर पे है ये जी। जबलपुर की अगर भाषा को लेते हैं आप जी, तो मैं हॉलीवुड की पिक्चर से स्टार्ट करता हूँ पहले आपको मैं, क्योंकि हॉलीवुड की जो पिक्चर होती है उसमें अधिकांश कलाकार महाराष्ट्र के होते हैं, कोई कलकत्ता का होता है, कोई बेंगलोर का होता है। और अगर गौर से पिक्चर देखी जाए हॉलीवुड को या मेरी बातों पे, फिर से एक वक्त गौर करके आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें प्योर भाषा सिर्फ जबलपुर की ही मिलेगी हॉलीवुड में। हॉलीवुड में ये बात में, मेरी बात में बिल्कुल फ़र्क पड़ ही नहीं सकता है ये। इसके अलावा ये तो हॉलीवुड की पिक्चर का बताया मैंने आपको, अब आप टी वी सीरियल पर छोटे पर्दे पर आ जाइए, आप टी वी सीरियल पे जो नाटक वगैरह आप देखेंगे उसमें वो जी, ये पूरी प्योर भाषा उसमें जबलपुर की चलती है। इसको अगर विशेष शब्द में हम ढालना चाहें कि क्या कह सकते हैं, जैसे बुंदेली बघेली मालवी, तो क्या कहेंगे इसको? तो उसमें ये सूट होता ही नहीं है ये, क्योंकि शुरू से ही चला आया है ये, है ना, ये हॉलीवुड की पिक्चर से लेके और छोटे छोटे पर्दों पे भी आप देखेंगे तो आप तो प्योर भाषा उसको जबलपुर की ही मिलेगी। इसको विशेष मतलब बोली में ढालना जो अन्याय होगा यहाँ की बोली के साथ, अन्याय नहीं, नहीं, ये बिल्कुल हमारी ये भाषा जो हमने कितने ऊंचे स्तर पे है ये हमारी जबलपुर की भाषा ही है, मैंने आपको बताया। जबलपुर में एक जो यारी दोस्ती में शब्द बोला जाता है, कहते हैं ओए बड्डे का है बड्डे, तो इसका क्या मतलब होता है? वो अपने फ्रेंड को बोल सकते हो भाई जी, बड्डे बोल सकते हो आप उसको, फ्रेंड्स बोल सकते हो, उसका नाम ले सकते हो आदमी। एक लहजा है यहाँ का, एक लहजा है यहाँ का जबलपुर का, इतना भी वो नहीं, जबलपुर का चरित्र बहुत अच्छा है, यहाँ भटके हुए को बाकायदा रास्ता बताया जाता है, सब हमारे यहाँ ये सब बलात्कारी केस ये वो ये सब बहुत नहीं है यहाँ पे हमारी, हम बहुत संस्कार धानी कहते हैं इस जबलपुर हाँ, नगर को। संस्कार धानी ही है हमारा जबलपुर शहर, यहाँ सब मिलके और हर कास्ट, हर जितनी भी जाते हैं यहाँ पे सब अपने अपने हर्ष उल्लास के साथ में अपने अपने त्योहारों को मनाते, कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं होती इसमें, ये एक विशेषता ये भी हमारे जबलपुर शहर में। यहाँ पे सारे त्योहार मनाए जाते हैं, सारे संस्कार एक सम्मानित हैं, इसलिए संस्कार धानी है ये। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पर एक चीज़ हमने जबलपुर के जब स्थानीय लोगों के घरों की बात देखी, घर की तरफ, तो वहाँ पर जो द्वार होता है तो सुबह सुबह वो गोबर से लीपा जाता है, उसके पीछे का क्या कोई कारण है? अब देखिए ये तो खैर ऐसा है कि मैं मोमडन जू में तो ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, लेकिन भाई वो हो सकता है हिंदू समाज की कुछ ऐसी परंपराएं रही हों वो जी, कि गाय का गोबर हम आंगन में लीपें या जहाँ भी लीपें वो, तो ये उनकी कुछ एक परंपरा होगी भाई उनकी। अच्छा। इस पर तो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ आपसे। और आप किस वार्ड क्रमांक से जो है तो रिलेट करते हैं, किस वार्ड क्रमांक के निवासी हैं? हम ये पंडित तिलक राज वार्ड के हैं ये जी। और इस जगह पर जब हम देख रहे हैं तो चारों तरफ गंदगी का बहुत भयंकर आलम है, क्या साफ सफाई यहाँ पे नहीं होती क्या? नहीं, साफ सफाई तो खैर होती है, थोड़ी सी
नई युवा पीढ़ियों में भी कमजोरियां हैं ये, है ना, डस्टबिन होने के बावजूद भी वो खाए पिए अपना अपने बातों में लगे रहते हैं, अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं, कहीं भी डस्टबिन को फेंक देते हैं वो, तो ये उनको भी चाहिए ये जी। हाँ। नहीं वरना जबलपुर शहर हमारा ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हमारा जबलपुर शहर पूरी तरीके। और आपके वार्ड की अगर समस्याओं की बात करें, हर शहर में कुछ समस्याएं होती हैं, जबलपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या कही जा सकती है अगर एक समस्या की हम बात करते हैं? नहीं वैसी तो कोई ऐसी विशेषताएं हैं, शासन प्रशासन के नहीं, शासन प्रशासन भी बढ़िया है, अच्छा हमारा शासन प्रशासन भी जो है बहुत अच्छा मिलके सब चलते हैं, ये सबके त्योहारों में हिदायत देते हैं वो, नई युवा पीढ़ियों को वो बताते भी कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, आप बाकायदा नई युवा पीढ़ी जो उनकी बातों को मानती है वो सब मिलजुल के अच्छे से काम हो जाते हैं। और जबलपुर की सबसे अच्छी बात की अगर हम बात करें, अगर कुछ एक ऐसी चीज़ जो जबलपुर की सबसे अच्छी बात कही जा सकती, जो विशेषता कही जा सकती है? जबलपुर को तो हम कई विशेषताओं में ले सकते हैं ऐसे, जैसे कि हमने बताया आपकी कहीं किसी को पता बताया जाता है तो उसको बहुत से शहरों में ऐसा हुआ है और होता है कि उसको गलत पता बता देना या आगे जाके लूट लेना उसको, हमारे जबलपुर शहर में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं, कहो तो वो आपको घर तक के छोड़ के आ जाएगा, बाकायदा कोई मजबूर परेशान आदमी रहेगा बाकायदा उसकी मदद की जाती है, उसको उसकी राह में पहुँचाया जाता है, जबलपुर शहर में ये भी विशेषताएँ हैं, हमारी नई युवा पीढ़ी जो है सब उनका इंतजाम वगैरह कर देती है। क्या नाम है आपका भैया? महेश। कहाँ से हैं आप? जबलपुर की जो शान है, जबलपुर की जो सबसे, अगर हम जबलपुर के एक स्थान के नाम से जानने की कोशिश करें तो आप किस स्थान का नाम लेंगे? घेड़ाघाट जबलपुर की पहचान शान है जबलपुर। और इसके अलावा जबलपुर में और घूमने वाली जगह कौन? घेड़ाघाट है, गौरी घाट है, यहाँ आपको जाना हो तो तिलवारा है जी, बर्गी डैम है, तीन चार रहेगा जी, मतलब जबलपुर पूरी तरीके से भरपूर है घूमने के हिसाब से भी, बहुत बढ़िया जगह। और संस्कार धानी कहते हैं इस शहर को जी, ये संस्कार धानी शहर क्यों कहते हैं, इसे क्या कारण है जो संस्कारधानी कहा जाता है ये जबलपुर? अच्छा है, बढ़िया है, यहाँ सब सुविधा अच्छी है, हर जगह गार्डन अच्छा है, एक से एक गार्डन, लेकिन इस गार्डन में तो भरी भयंकर, ये तो टूट गया है, ये टूट गया है, भावरताल गार्डन एक नंबर का है, एक गार्डन और है, कौन सा एक और गार्डन भावरताल और एक गार्डन है ना, टैगोर गार्डन, और यहाँ भी है ना अपने आगे कई सारे गार्डन, नेहरू पार्क सब एक से एक गार्डन है। गौरी घाट यहाँ पर जो तो आध्यात्मिक तौर पर कहें तो आध्यात्मिक एक केंद्र है, गौरी घाट के बारे में कब निर्माण हुआ, किसने करवाया, इस बारे में जानकारी क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ धार्मिक स्थल ज़्यादा है जी, पूजा पाठ ज़्यादा होती है, हर चीज़ अच्छी है जी, सब होता है वहाँ, क्रियाकर्म भी होते हैं, तमसाम घाट भी बना है, सब बने हैं पूरी तरीके से, धर्म कर्म सबका केंद्र है गौरी घाट पूरा स्थाई। और जबलपुर के बारे में, अपने जबलपुरिया भाइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सब ठीक है, आपका कहा है सब बढ़िया, सब अपने। सबसे बड़ी समस्या क्या है जबलपुर की? समस्या का है यही है, गुंडे बदमाशी ज़्यादा है, गुंडे लोग ज़्यादा है यहाँ, साफ सफाई जो है तो स्वच्छता अभियान सबसे ठीक है, बढ़िया सफाई वफाई तो यहाँ नहीं है, यहाँ जिस एरिया में गंदा है ना, ये अभी बन रहा है, टूट गया ना ये पूरा, अभी तोड़ दिया है, ये पूरा नया बन रहा है, इसका काम चल रहा है। जबलपुर में सबसे विशेष, सबसे अच्छी खाने वाली चीज़ कौन सी है जो तो, क्या कौन सा पकवान यहाँ का फेमस है? दाल पकवान दाल समाज का, हाँ बहुत फेमस है यहाँ का, सबसे फेमस पिज्जा है, दाल पकवान है, बहुत से आइटम है, चाउमिन है, सभी आइटम अच्छे मिलते हैं, मिठाई भी बहुत बढ़िया। अच्छा, मिठाई भी जो है यहाँ, मिठाई बहुत बढ़िया, गोविंद मंडार गामापुर में बहुत अच्छी मिठाई उसकी मिलती है, स्वादिष्ट। और मदन महल के बारे में क्या कहेंगे, रानी दुर्गावती के बारे में क्या? वो भी किला बहुत बढ़िया है, रानी दुर्गावती किला जबलपुर की एक शान रही है, वो बहुत पुरानी शान है, गौड़ राजवंश की जो तो प्रतीक है। हाँ ना, वो मदन महल में तीन मूर्ति बहुत बढ़िया बनी है, वहाँ किला भी बना है ऊपर पहाड़ी में, अंदर से रास्ता भी बंद हो गया रास्ता, तो खैर यहाँ पर एक जगह गोल्डन रॉक करके है, अरे बैलेंसिंग रॉक करके है, जिसमें बहुत बड़ा सा पत्थर मदन महल के नीचे है, वो टिका हुआ है छोटे से, उसमें टिका हुआ है, वैसे गाय तो नहीं है, टिका हुआ होगा, हम गाय नहीं होगा जी, मदन महल तो नहीं घूमे। चलिए, आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे जबलपुर के निवासी, जिनसे हमने जबलपुर के बारे में जानने की कोशिश की, जबलपुर के हनक और इस जबलपुर के भौकाल की सारी चीज़ें। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।